तो चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के बागी चंद्रभान सिंह आक्या ने जीत दर्ज की है। बागी उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा हाइप इन्हीं की थी। बीजेपी ने इस चुनाव में बंपर जीत हासिल की, लेकिन बागियों ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खूब खड़ी की। बागियों ने कैसे बढ़ाई दोनों पार्टियों की मुश्किलें और निर्दलियों की क्या रही भूमिका, इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। जनता का फैसला आपके सामने है। किसने बाजी मारी और कौन हार गया ये भी आपको पता चल गया है, लेकिन इस फैसले में बागी बहादुरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भले ही जीत हार का फैसला हो गया है, लेकिन इन बागी नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें काफी बढ़ाई। जीत हार का फैसला तो जनता ने किया, लेकिन इन बागियों ने जीत हार के अंतर को कम कर दिया है। विधानसभा चुनाव का परिणाम भले ही किसी एक पार्टी के पक्ष में रहा, लेकिन बागियों ने बीजेपी और कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया था। इसका कारण ये है कि दोनों ही पार्टियों के बागी नेता अपने अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे हैं। कुल मिलाकर 83 ऐसे नेता हैं जो बागी हुए, 29 बैठ गए और 54 ने ताल ठोकी। कांग्रेस के 34 बागियों में से 12 बैठे, 22 मैदान में थे। बीजेपी के 49 बागियों में से 17 बैठे, 32 मैदान में थे। आपको बताते हैं कि कांग्रेस के कौन कौन से नेता बागी हुए, किसने दूसरी पार्टी का दामन थामा और किसने निर्दलीय चुनाव लड़ा। खिलाड़ी लाल बैरवा, जौहरी लाल मीणा, रामलाल मेघवाल, नरेश मीणा, फतेह खान, श्री गोपाल बाहेती, ओम विश्नोई, दुर्ग सिंह चौहान, देवाराम रोत, हबीबुर रहमान, करुणा चांडक, मनोज चौहान, आलोक बेनीवाल, सुनील परिहार, कैलाश मीणा, राजकरण चौधरी, अजीदुद्दीन आजाद, वीरेंद्र बेनीवाल, राकेश बोयत, रामनिवास गोयत, महेंद्र बारजोड़ और गोपाल गुर्जर ऐसे बागी नेता थे जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। बीजेपी के भी कई नेताओं ने पार्टी से बगावत करके या तो दूसरी पार्टी ज्वाइन की या निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के कौन कौन से नेताओं ने बगावत की। यूनुस खान, चंद्रभान सिंह आक्या, प्रियंका चौधरी, रविंद्र भाटी, राजेंद्र भादू, राजेंद्र भांबू, राजेंद्र नायक, ताराचंद थायल, कैलाश मेघवाल, आशा मीणा, गुलाब सिंवर, जीवाराम चौधरी, जसवीर सिंह खरवा, इंद्रजीत सिंह, हिम्मत सिंह राजपुरोहित, प्रभुदयाल सारस्वत, मुकेश गोयल, बंशीधर बाजिया, आशु सिंह सुरपुरा, पवनी मेघवाल, जितेंद्र मीणा, मधुसूदन भिंडा, कैलाश मेघवाल, रामचंद्र सुनारीवाल, ऋतु बनावत, रूपेश शर्मा, गिरिराज शर्मा, योगी लक्ष्मण नाथ और जालम सिंह रावलोत ने बीजेपी से बगावत की। परिणाम भले ही आ गया है और प्रदेश की जनता ने अपनी सरकार चुन ली है, लेकिन बागी नेताओं ने अपने विपक्षी को कड़ी टक्कर दी और जीत हार का आंकड़ा काफी हद तक बदल दिया। जिन बागियों को जीत मिली है उनके लिए आगे की राह आसान है, लेकिन जिन्हें हार का सामना करना पड़ा उनके लिए राहें आसान नहीं होने वाली। इन बागियों का भविष्य क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।